देश भर के बाजार धनतेरस के लिए सज गए हैं। चमचमाते आभूषणों से लेकर दिवाली के लिए रंग बिरंगे दीयों और सजावटी सामान बाजारों में सज गए हैं। दीयों और सजावटी सामान के साथ साथ सोने और चांदी के आभूषणों और सिक्कों की मांग भी काफी बढ़ गई है। अहमदाबाद के लाल दरवाजा बाजार में रंगीन दीयों, आभूषण और कालीन जैसी पारंपरिक वस्तुओं को खरीदने के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। मैं दिवाली की शॉपिंग करने आई हूँ। तोरण खरीदा, सजावट की खरीदी, पटाखे खरीदे और कुछ नहीं खरीदा। बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे डोरमेट बेचता हूँ, पैर पूछने वाले बेचता हूँ। तो आज से माहौल अच्छा है, बाजार में रौनक भी है और ये बाजार है मीडियम क्लास के लोगों के लिए है। यहाँ पे सब सस्ता माल मिलता है, हर चीज़ सस्ती मिलती है, तो आज बाजार में रौनक दिख रही है। धंधा भी अच्छा है। आज से पूरा एक हफ्ता रहा है, अब 5-6 दिन रहे हैं दिवाली के दिन। अब जो जो दिन जाएंगे यूँ बाजार में रौनक बढ़ती जाएगी, पब्लिक और आती जाएगी यहाँ। आगरा में महिलाएं त्योहार के मौके पर खास कपड़ों की तलाश में शॉपिंग करने पहुंच रही हैं। इस बार सर ट्रेंडिंग में देखा जाए तो अभी मुझे लगता है साड़ियों का क्रेज़ कम हो गया है। अभी हम लोग जैसे लहंगा टाइप है या फिर हम लोग ड्रेसेस हैवी गाउन है इन पे ज़्यादा जा रहे हैं। और बाकी इनके यहाँ हमने ड्रेसेस और हैवी ब्लाउज के साथ हमने खुद की साड़ी वगैरह कराई है, ये ज़्यादा ट्रेंड में है। कपड़ों को लेकर एक्चुअल में क्या है, बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी चल रही है, जैसे अनारकली सूट, लहंगे। तो दीपावली का त्यौहार है तो उस हिसाब से अच्छे से त्यौहार बनाना है, अच्छे से वैरायटी देखनी है और वर्क वाले फैब्रिक बहुत चल रहे हैं आजकल, तो उसी हिसाब से हमें सारा मेंटेन करना है। और डिज़ाइनर ड्रेसेस हमारी डिमांड में है तो वही फैब्रिक हम लेने आते हैं और वही खरीद के लेके जा रहे हैं। फैंसी आइटम है, रेडीमेड ब्लाउज हैं, लहंगे हैं, लहंगा आजकल बहुत चल रहा है, फैंसी ड्रेस मटेरियल्स हैं, मैचिंग के संबंधित पूरी सब वैरायटी रहती है हम लोगों के पास। अच्छा चल रहा है इस टाइम पे वैरायटी में, बॉर्डर्स हैं, साड़ी हैं, ड्रेस मटेरियल्स हैं, सब अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। फैंसी वैरायटी है मैचिंग के संबंधित, ब्रॉकेट है, ब्लाउज पीस हैं, सूट्स हैं, सब चीज़ ड्रेस मटेरियल अच्छा। डिमांड तो वही आजकल सब फैंसी आइटम्स की रहती है त्यौहार की वजह से, तो अच्छा चल रहा है सब। कानपुर में ज्वेलर्स की दुकानों पर चांदी के सिक्कों और सोने चांदी से बनी गणेश मूर्तियों की खूब बिक्री हो रही है। धनतेरस पर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के साथ साथ दूसरी धातु की चीजें खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस को लेके सभी प्रकार के साइज के गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ, गणेश लक्ष्मी के सिक्के, फाइन सिल्वर के सारे प्रकार के कॉइन 10 ग्राम से लेकर और 100 ग्राम तक का के और आधा किलो तक का के सिक्के अपने पास तैयार हैं। क्या डिमांड करते हैं लोग? लोग डिमांड मोस्टली 10 ग्राम चांदी के सिक्के या 20 ग्राम फाइन सिल्वर में ज़्यादा सिक्के की क्वांटिटी में लेते हैं। और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी बहुत प्रकार की हैं, डिज़ाइनों में जो कलरफुल हैं, एम्ब्रॉयड मूर्तियाँ हैं, ये सारी मूर्तियों की लोगों की डिमांड है। दिवाली के मौके पर बाजारों में काफ़ी रौनक दिख रही है। हमारे बाज़ार में विभिन्न तरह की वैरायटियाँ मिलती हैं। दीपावली में दिया, दीपक, कपड़ा, साड़ियाँ, खीलगट्टा, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान, फुटवेयर, सारी वैरायटियों का हमारा बाज़ार मिला जुला बाज़ार है, जिसमें प्रदेश के क्या पूरे आसपास के क्षेत्र तक के लोग काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ धनतेरस और दिवाली के त्यौहार पर विजिट करते हैं। धनतेरस को लेके हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी हम लोगों की प्रिपरेशन है, तैयारी है और नए नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो है नए प्रोडक्ट्स में भी डिस्काउंट के साथ काम कर रहे हैं, दे रहे हैं। बर्तनों में ज़्यादातर लोग नए आइटम खरीदते हैं जो अभी तक नहीं आए थे और अब आए हैं, नए प्रोडक्ट्स में लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है। वैसे वास्तविक रूप में जो पहले लोग लेते थे फूल के बर्तन लेते थे, जो कि बहुत ही वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। दीपावली 5 दिन का त्यौहार होता है। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार और कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है।